हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। एंड पिछले वीडियो के अंदर अपन ने सिंपल सा मॉड्यूल लिखा था और इस मॉड्यूल को यहां पे यूज़ कर लिया था। अब अपन बात कर रहे थे कि जो भी इस मॉड्यूल को यूज़ करेगा उसको हमेशा सेम यही इंस्टेंस टाइप, उसको सेम यही इमेज आईडी प्लस सेम यही इंस्टेंस टाइप अटैच होगा, राइट? मैं चाहता हूँ कि ये भी वेरिएबल्स में हो। तो अपन क्या करते हैं, मॉड्यूल्स के अंदर वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है? तो वेरिएबल्स डॉट टी एफ। अब वेरिएबल्स डॉट टी एफ के अंदर अपन कौन कौन सी चीज़ डालने वाले हैं, टेराफॉर्म डॉट टी एफ और से, ये दोनों मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये दो वेरिएबल्स अपन बनाएंगे, ठीक है दोस्तों? अब देखो, अपन ने ये दो मॉड्यूल्स तो यहाँ बना लिए हैं, ये यहाँ पे बन गए हैं। रिसोर्स डॉट टी एफ के अंदर आप इनको यूज़ कैसे कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या देना है, वेर डॉट इमेज अंडरस्कोर आईडी, राइट? जो अपन ने यहाँ पे मॉड्यूल्स के अंदर जो बनाए थे उसको, और इंस्टेंस टाइप क्या देना है आपको, वेर डॉट, ठीक है? सिंपल सा ये करना है आपको। अब जब आप ये करके टेराफॉर्म प्लान कमांड चलाओगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई गौरव तू यहाँ पे जब भी कोई भी ये देखो, टी एफ वॉर फाइल यहाँ पे है, इस जगह पे आपको दिख रहा है, तो ये जो लोकेशन, ये जो वेरिएबल सेट करेगी वो इस करंट ब्लॉक का करेगी, मॉड्यूल्स का नहीं करेगी। तो मॉड्यूल्स के अंदर ये वेरिएबल कैसे सेट करें हम लोग, हमको ये चीज़ भी जाननी है। उसके लिए सिंपली क्या करना है, अब जहाँ पे भी मॉड्यूल्स यूज़ कर रहे हो, इंस्टेंस डॉट टी एफ, यहाँ पे आप मॉड्यूल्स यूज़ कर रहे हो तो इसको पैरामीटर पास कराओ। क्या पैरामीटर पास कराना है, जो आपके वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल क्या है, इमेज अंडरस्कोर आईडी, राइट? और ये, और दूसरा कौन सा है, इमेज अंडरस्कोर आईडी। पहले तो इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं, इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है? एंड इंस्टेंस टाइप इसकी वैल्यू देता हूँ मैं टी टू स्मॉल, ठीक है? अब ये मॉड्यूल्स अपन ने यूज़ कर लिया, तो ये वैल्यू जो यहाँ से उठ के जाएगी वो वैल्यू मॉड्यूल्स में यहाँ पे रीड होगी और रिसोर्सेज इनको यूज कर लेंगे, क्लियर? एंड अपन देख लेते हैं, अपने इसके अंदर अपन ने ये वेरिएबल्स बना देते हैं दो, मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ये दोनों वेरिएबल्स, ठीक है? दोस्तों आपको एक चीज़ लग सकती है यहाँ पे कि गौरव तूने सेम वेरिएबल यहाँ डाले हैं, सेम वेरिएबल यहाँ पे डाले हैं, तू तो बोल रहा था काम कम हो गए तो काम ज़्यादा हो गया, राइट? दोस्तों आप ये मानो कि ये जो काम रहेगा ये वन टाइम काम रहेगा, उसके बाद में तो केवल आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी रहेगी, राइट? बताता हूँ मैं आपको, समझ में आ जाएगा। तो ये दिख रहा है आपको, ये डाल दिया मैंने यहाँ पे, और वेरिएबल्स के अंदर ये सारी की सारी चीज़ डाल दी। टेराफॉर्म डॉट टी एफ वॉर में अपन ने ये दो ये चीज़ें कर ही दी है। तो अपन क्या करते हैं, अपन ने ये जो लिखा था अपना इंस्टेंस डॉट टी एफ, यहाँ पे अपन ये वैल्यू ना दे, चलो ठीक है ये वैल्यू दे देते हैं अभी के केस में, बाद में अपन इसको टी एफ वॉर फाइल से रीड कर लेंगे, राइट? चलिए टेराफॉर्म प्लान कमांड चलाते हैं। तो वापस मैं टेराफॉर्म प्लान कमांड चलाता हूँ, अपन लोगों ने टेराफॉर्म प्लान कमांड चलाया एंड उसका आउटपुट देखते हैं कि यहाँ पे क्या ए एम आई आई डी आया और क्या इंस्टेंस टाइप आया है। तो आप देखो यहाँ पे टी टू स्मॉल आ चुका है जो इंस्टेंस टाइप था, और यहाँ पे आप ये देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी आपका वेरिएबल का वैल्यू दिया था आपने, राइट? यहाँ पे आपने जो वैल्यू दिया था वो इस मॉड्यूल के अंदर रीड हुआ है, राइट? अगर आपको मैं और भी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, तो अगर आपको कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, कोई सी भी हो, एक्स वाई जेड, वहाँ पे आप एक फंक्शन यूज़ करते थे, लाइक फंक्शन ए बी सी या फिर सम, राइट? एंड आप क्या करते थे, इंट ए इंट बी, एंड यहाँ पे आप रिटर्न करवा देते थे ए प्लस बी, राइट? तो ये जो पैरामीटर जो आप पास करवाते हो ना, ये चीज़ अपन यहाँ पे पास करवा रहे हैं, दैट्स इट। इससे बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों सिंपली आपने बस यहाँ पे क्या किया है कि आपने ये जो दो चीज़ है, ये दो चीज़ आपने आपके मॉड्यूल को इनपुट दिया है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। चलिए तो अपन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो आपको ये तो समझ में आ गया कि आप मॉड्यूल्स को इनपुट कैसे दे सकते हो। अब मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो मॉड्यूल है वो इंस्टेंस के साथ में की भी अटैच करे, राइट? जब भी अपन की बनाएंगे तो अपन क्या करेंगे, की इक्वल टू, और अपन ये की का कंटेंट पास करवाते हैं, तो कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल वी कर लिया मैंने यहाँ पे, क्लियर? चलिए अब ये की का कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल एक्स, एंड इसको मैं यहाँ पे रिसोर्सेज में डाल देता हूँ, एंड रिसोर्सेज के अंदर अपन यहाँ ये की का मैंने कोड यहाँ पे डाल दिया, ठीक है? और यहाँ पे आपको क्या डालना है बताओ, यहाँ पे आपको आपका की वैल्यू डालनी है, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेरिएबल इक्वल टू, वेरिएबल की टाइप इक्वल टू
स्ट्रिंग, ठीक है, केवल इतना सा किया आपने। अब ये वेरिएबल यहाँ पे यूज़ भी करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट, पब्लिक की। तो अपन ने किस नाम से बनाया वेरिएबल, वेर डॉट की, राइट, यही बनाया ना अपन ने वेरिएबल वेर डॉट की। तो अब ये वेर डॉट की जो है ये कहाँ से आएगा, ये अपन इनपुट देंगे अपने रूट मॉड्यूल से। तो कंट्रोल सी, इंस्टेंस डॉट टी एफ में चलते हैं और ये अपन ने यहाँ से दे दिया, राइट। तो आपने देखो इस की वाले वेरिएबल की वैल्यू क्या दी है, जो इस फाइल के अंदर स्टोर रहेगी, राइट। अब ये की वाले की वैल्यू कहाँ जा रही है, इस वेरिएबल में, इस वेरिएबल यहाँ पे जाके इस वेरिएबल पे सेट होगी, उस फाइल का जो भी कंटेंट का जो आउटपुट रहेगा या जो कंटेंट रहेगा उस फाइल का, तो उसकी वैल्यू इस की वाले वेरिएबल में जाके स्टोर होगी। एंड रिसोर्स डॉट टी एफ जो फाइल है वो यहाँ पे इसको यूज़ करने वाला है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको वेर डॉट की, तो ये यहाँ पे इसको यूज़ कर लेगा। एंड आप की का नेम भी दे सकते हो, वैसे मैंने आपको एक देख के बता दिया है। एंड यहाँ पे इसको अगर ये की यूज़ करनी है तो ये सिंपली इस की को यूज़ कर लेगा, राइट। तो चलो टेराफॉर्म प्लान कमांड चलाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट, आपका देखो की बन जाएगा और इंस्टेंस जो है उसको की अटैच होता है या नहीं होता ये देखिए आप, ये दिख रहा है आपको की का नेम की डॉट टी एफ, ये भी इजीली हो चुका है, राइट। तो और यहाँ पे आपका ए एम आई आई डी हो गया। अब अपन क्या करते हैं, रूट मॉड्यूल्स के अंदर ये जो चीज़ है ये भी अपन वेरिएबल से ले लेते हैं। एंड मैं क्या करता हूँ, की का जो नेम है वो भी मैं की नेम इक्वल टू वो भी मैं एक वेरिएबल में डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इंस्टेंस डॉट टी एफ में की नेम इक्वल टू अपन डाल देते हैं वेर डॉट की अंडरस्कोर नेम, ठीक है, और ये अपन ने वेरिएबल के अंदर इसको डाल ही दिया है, ठीक है। एंड टेराफॉर्म डॉट टी एफ वार में भी मैं वेरिएबल का नेम डाल देता हूँ की अंडरस्कोर नेम इक्वल टू माय, ठीक है, सिंपल सा यही किया है अपन ने, ज़्यादा कुछ भी किया नहीं है। अभी मैं एक बार वापस आपको पूरे के पूरे कोड को गो थ्रू करवा देता हूँ। मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल बनाए हैं, इंस्टेंस इंस्टेंस टाइप इमेज आईडी और की नेम। एंड इंस्टेंस डॉट टी एफ के अंदर मैंने एक मॉड्यूल यूज़ किया है, वहाँ पे मैंने ये तीनों के तीनों वेरिएबल पास करवा दिए हैं, ठीक है, इमेज आईडी, इंस्टेंस टाइप की और की नेम। एंड अगर आपका आपके मॉड्यूल वाले फोल्डर में जाओगे तो यहाँ पे मैंने तीन लिए हैं, राइट, इंस्टेंस टाइप इमेज आईडी की और एक और मैं बनाने वाला हूँ वेरिएबल, क्या नाम देने वाला हूँ इसका मैं, की अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम टाइप इक्वल टू स्ट्रिंग, और इसको अपन यहाँ पे यूज कर लेंगे, जिससे क्या की का नेम भी अपन बार बार चेंज कर सकते हैं, राइट दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अपन ने, चलिए तो मैं एक बार वापस आपको स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंस्टेंस डॉट टी एफ में चलते हैं, इंस्टेंस डॉट टी एफ के अंदर आपने टोटल कितने, इसको मैं ऊपर उठा देता हूँ कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ठीक है। तो दोस्तों इंस्टेंस डॉट पी एफ के अंदर देखो आपने यहाँ पे ये चार वेरिएबल्स ले रखे हैं और इन चारों वेरिएबल्स की वैल्यू सेट कर रखी है। ये सारी की सारी वैल्यू जाके कहाँ बैठने वाली है, ये बैठने वाली है आपके चाइल्ड मॉड्यूल के अंदर। तो ये आपका चाइल्ड मॉड्यूल था जिसका नेम क्या है, माय वेब सर्वर, राइट। तो यहाँ पे अपन चलते हैं और आप यहाँ पे ये देखिए, ये दिख रहा है आपको वेरिएबल डॉट टी एफ। अब वेरिएबल डॉट टी एफ के अंदर ये चारों के चारों वेरिएबल्स हैं जो अपन यूज़ कर रहे हैं और इनको अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जैसा अपन ने पहले रिसोर्स क्रिएशन के टाइम पे देखा था, सेम वैसे के वैसे। बस फर्क इतना सा है कि आपको जो कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है वो ये है कि आपको इनपुट देना होगा तो आप ऐसे दे सकते हैं, इतना समझ में आया। चलिए अभी अपन क्या करते हैं, टेराफॉर्म डॉट टी एफ वार के अंदर वैल्यूज चेंज करते हैं, ठीक है। वैल्यूज चेंज है, ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन है, एंड प्रोवाइडर एंड टेराफॉर्म एंड ये इंस्टेंस, राइट। अपन ने सारी की सारी वैल्यूज उस टी एफ वार फाइल में से रीड कर ली है। चलिए टेराफॉर्म प्लान कमांड चला के देख लेते हैं वापस। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका की पेयर क्रिएट हो गया है। एंड की पेयर का नेम देखिए अभी माय की आया है, क्लियर। एंड यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी माय की आया है। इमेज आईडी आप देखिए जो आपने टेराफॉर्म डॉट टी एफ वार फाइल में दी है वो आई है। उसके बाद में इंस्टेंस टाइप भी वही आया है जो आपने टेराफॉर्म डॉट टी एफ वार के अंदर दिया है, क्लियर। अब मैं आपको एक चीज़ पे छोड़ता हूँ जो अपन अगले वीडियो में देखने वाले हैं। आपको याद है अपने को कभी भी आईपी एड्रेस प्रिंट करवाना होता था तो अपन ऐसे प्रिंट करवाते थे आउटपुट, फिर अपन इंस्टेंस का टाइप लिखते थे, है ना, रिसोर्स का टाइप लाइक ए डब्ल्यू एस अंडरस्कोर ई सी टू, आई मीन रिसोर्सेस के अंदर कंट्रोल सी
एंड यहाँ पे आप ये ऐसे लिखते थे आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए। तो दोस्तों अपन पहले आउटपुट कैसे प्रिंट करवाते थे, अपन सिंपली आउटपुट प्रिंट करवाते थे लाइक अपन यहाँ लिख देते थे पब्लिक आईपी एंड उसके बाद में वैल्यू इक्वल टू AWS इंस्टेंस डॉट वेब डॉट पब्लिक अंडरस्कोर आईपी, राइट। तो ये क्या करता था, आपके इंस्टेंस का आईपी एड्रेस प्रिंट करवा देता था। अब बात आती है कि आपने जो इंस्टेंस बनाया वो मॉड्यूल के अंदर बनाया है, तो अब ये चीज़ कैसे आउटपुट करवाओगे, समझ में आ रही है ये चीज़। तो ये जो चीज़ है ये देखने वाले हैं अपन अगले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।